मंगलवार को आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबला हुआ। पावर प्ले में जाने की उम्मीद लेकर दोनों टीमों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और राजस्थान ने इस प्ले ऑफ में जाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखते हुए पंजाब को 15 रनों से मात दी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब की टीमें आपस में भिड़ी। पहले टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे और जोस बटलर ने पहली पारी की शुरुआत की। रहाणे 10 गेंदों में 9 रन बनाकर ही चलते बने, वहीं जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए। इसके अलावा संजू सैमसन ने 22 रनों की पारी खेली और डगमगाते हुए राजस्थान की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। वहीं 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाड़ी लोकेश राहुल ने नाबाद 95 रन बनाए। राहुल के अलावा कोई और बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा टिक नहीं पाया। मनोज तिवारी 7 और अक्षर पटेल 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। पूरी टीम मिलकर महज 143 रन ही जोड़ सकी और इस तरह राजस्थान ने अपने ही घर में पंजाब को 15 रनों से करारी मात दी और पंजाब के प्लेऑफ में जाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।